ऐसा होता है कि जब हम नए नए अलग अलग फील्ड से आए हुए लोगों को अपने यहाँ इकट्ठा करते हैं, उनके जो अनुभव हैं उनको हम साझा करते हैं और हमारी जो कुछ अपनी तरफ से हमारी जो एक्सपर्टाइज है वो हम उन लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये आप जो इंडक्शन प्रोग्राम्स रहते हैं उनमें सामान्यतः क्या होता है कि जो ट्रेनीज हैं वो क्लीन स्लेट के तौर पे आते हैं और उन लोगों को हमको नए सिरे से जो एक्ट्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं और जो प्रोटोकॉल्स हैं वो सब एक एक करके डिटेल में बताना पड़ता है और वो नए सिरे से उन्हें सीख रहे होते हैं। लेकिन जो मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसका उद्देश्य पूर्णतः अलग होता है। इसमें कोई किसी को कुछ सिखा नहीं रहा होता, सिर्फ एक दूसरे के एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे होते हैं और उससे समझ रहे होते हैं कि मेरी समझ ऐसी है और इनकी समझ किसी एक विषय पर कुछ मुझसे भिन्न है और दोनों की समझ को मिला के और ज्यादा इवॉल्व होकर बेहतर समझ हम डेवलप कर सके। कुल मिलाकर मिड करियर ट्रेनिंग जो उसका उद्देश्य यही है। किसी भी जगह पर हो रबर बैंड की तरह तब तक उनको लोग खींचते रहते हैं जब तक कि वो टूटने की स्थिति में ना पहुंच जाए। और ये प्रशासन के साथ भी है, जो भी फील्ड में जो भी अधिकारी रहते हैं उनके लिए लोगों का मानना है कि उनको नींद की जरूरत नहीं है, उनको भूख नहीं लगती है, उनके पास घर द्वार नहीं है और इस प्रकार से उनको वो काम करते रहते हैं। वो खुद भी अपने आप को इस तरह पुश करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपन दुनिया ही अपेक्षा करती है, वो खुद भी अपने आप को इस तरह पुश करते हैं। और ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि थोड़ा थम के थोड़ी सांस ली जाए और अपने आप से एक बार फिर से मुलाकात की जाए। अच्छी बात, जब आदमी अनमाइंड होता है तो सबसे ज्यादा अच्छा सीखता है। टेंस माइंड से बहुत कुछ सीखा नहीं जा सकता है, पहाड़ा रटने के अलावा टेंस माइंड से कुछ नहीं किया जा सकता। समझ जो है ना वो तो रिलैक्स्ड अनटेंस्ड माइंड से ही आदमी को समझ डेवलप होती है। तो आपको एक समझ डेवलप होगी और जहां भी आप जाएंगे आपको एकदम अलग अलग जगहों पर पुलिसिंग से संबंधित बहुत ज्यादा चीजें आपको नहीं बताई जाएगी। थोड़ी थोड़ी रिफ्रेशर, सब चल रिफ्रेशर आपको यही कराया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर रेलिवेंट ऑफिसर्स आपको मिल जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आपको काम बाद में आगे करना है तो मध्य प्रदेश में रेलिवेंट लोग मिल जा रहे हैं तो यहाँ आपको कुछ चीजें बताई जाएगी। बाकी जगहों पे आपको बहुत सारी और चीजें हैं, खास करके ईपा में आपको इमोशनल इंटेलिजेंस पे क्लासेस होंगी, थोड़ी बहुत नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आपको एडवांस्ड लॉ पे, विक्टिमोलॉजी पे, इन सब चीजों पे क्लासेस होंगी और एक नया एस्पेक्ट चीजों का आपको देखने को मिलेगा। और यूके तो एक अलग ही एक्सपोजर है। तो इसको आप लोग उसी तरह से लें और कोशिश ये करें कि ये सोच के जाए कि हमको इस कोर्स से what we can gain from it, as I said earlier, both professionally and personally। और हर जगह कुछ ना कुछ सीखने को होता है। हो सकता है कि आपको उसका कंटेंट बहुत अच्छा ना लगे तो आपको हो सकता है मेथोडोलॉजी अच्छी लग जाए, कंटेंट बहुत अच्छा लगे तो हो सकता है प्रेजेंटेशन अच्छा लग जाए, हो सकता है वहाँ के एटमोस्फेयर अरेंजमेंट ही अच्छे लगे। तो आप जब अपना कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन एंड ट्राई टू सी पॉजिटिव थिंग इन दिस एंड ट्राई टू सी कि इसमें से हम क्या सीख सकते हैं। आई एम श्योर वी विल लर्न क्वाइट अ लॉट।